तो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से कि बहुत दिक्कत हो रखी है, लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है बहुत जगह। सो गाइस फाइनल जो है भाई पहुंच चुके हैं भाई बस स्टैंड, तो कुछ ऐसा बस स्टैंड है भाई। सो गाइस अभी तो यार कोई बस नहीं मिल रही है यार यहाँ से, और पता है यार यहाँ के बस कह रहे हैं कि रोड जो है बिल्कुल टूट चुके हैं ना, पैदल जा भी नहीं सकते, पैदल जाने का। बड़े बड़े पत्थर जो भाई नीचे टूट टूट कर आए हैं ऊपर। सो हे गाइस वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप व्लॉग कब देख रहे हो कब नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं मॉर्निंग हो रही है जस्ट अभी, मतलब टाइम हो रहा है भाई फुल चार्ज 7:30 होने वाले हैं गाइस, और हम निकलना स्टार्ट करते हैं लामा ठोम तिर से। सो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से भाई, और अपन टैक्सी आ चुकी है नीचे। और इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत दिक्कत हो रखी है, लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है बहुत जगह, और हम यहाँ पे फंस चुके हैं एक तरीके से, तो इस चक्कर में भी निकल रहे हैं जल्दी से। तो गाइस निकल चुके हैं जिस होटल में रुके थे, मैंने बताया था आपको पहले भी दिखाई दिया था रॉयल इन। चलो और हम सारे निकल चुके हैं, अराउंड हम भाई 3 से 5 डेज रुके थे शिमला में, और इतने जल्दी मतलब हमें इसलिए निकल रहा है, हमारा चेकआउट हुआ तो 12 बजे का था, लेकिन और जो टैक्सी वगैरह है ना गाइस वो फिर ऊपर नहीं आ पाती है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है टैक्सी, फिर हमें बहुत दूर से जाना पड़ेगा। और अभी हम टैक्सी से जा रहे हैं भाई बस स्टैंड से, फिर हम बस लेंगे कालका या चंडीगढ़ के लिए बस लेंगे, वो अराउंड हमें 3-4 घंटे पहुँचा देगी बस, और उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ से या डायरेक्ट वो लेंगे ट्रेन दिल्ली के लिए। तो अभी टैक्सी में बैठते हैं, पहले ऐसे ऊंचे नीचे रास्तों को मिस करेंगे ना, आराम से यार। मैंने 3 बैग उठा रखे, बोल मत मैं हाफ रही हूँ तुम थक जाओगे ना। चलो 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 चलते रहो तुम बस। कौन से टैक्सी में पहचानेंगे, कैसे वो हमें पहचान लेगा, इतने फेमस है कि हमें पहचान लेगा, सही फेमस हो गए मतलब हम हर कोई पहचान लेगा हमें। यही है, कौन सी वाली है, यही है यही है यही है भाई, टैक्सी आ चुकी है अपनी। हाथ हटा ले, चलो। सो गाइस बैठ चुके हैं टैक्सी के अंदर और निकल चुके हैं भाई अब शिमला से भी, और शिमला को भी अब याद करेंगे बहुत ज़्यादा, जो भाई नज़ारे थे शिमला के एक से एक, कोई नहीं दोबारा आएंगे फिर से जल्दी अभी लेंगे, अभी तो आगे और नज़ारे पड़ेंगे, चिंता मत करना तुम। और भाई आज देख रहे हो भाई पूरा मौसम खुल चुका है और धूप निकल गई आज हल्की हल्की बिल्कुल, जो कि थोड़ी देर बाद हट जाएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, और अब क्लियर व्यू आ रहा है भाई पूरा, है ना। पूरा मौसम खुल चुका है ना, पूरा अच्छे से व्यू आ रहा है भैया का तो डेली का काम है। ये चेक करो भाई कैसे कैसे रास्तों से भाई जा रहे हैं, देख लो खतरनाक ढलान है। क्लच प्लेट तो कितने दिन चलती होगी यहाँ की, दिन नहीं चलती है महीने भर। अच्छा क्लच प्लेट तो वही देख रहा हूँ मैं गाइस, लिटरली हमारी गाड़ी जो है यू हो चुकी है। सब ऐसा पूरा सफारी चल रही है गाइस हमारी, देख लो भाई यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है ना। ये ऊपर से गिरे पेड़ कितने सारे, नहीं
सो गाइस फाइनली जो है भाई पहुंच चुके हैं भाई बस स्टैंड। तो कुछ ऐसा बस स्टैंड है भाई, देख लो ISBT है ये, और अच्छा है काफ़ी बस स्टैंड। और ये है भाई शिमला का बस स्टैंड है ये, खुलवा रहे हैं भैया। और यहाँ अच्छी अच्छी दुकानें वगैरह सब कुछ है भाई, यहाँ कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे अपना और यहाँ से डायरेक्ट बस लेंगे अब चंडीगढ़ के लिए। भैया बैग निकलवा दो भैया। सो गाइस पता है अभी कोई भी बस यहाँ से नहीं जा रही, क्योंकि यार नीचे रास्ते में इन्होंने बताया कि कोटी साइड जो है भाई लैंडस्लाइड हो रखी है बहुत तगड़ी, रोड मतलब फट गया, बीच से आधा रोड मतलब दरार आ गई है रोड के बीच में। तो इस चक्कर में अब देखते हैं कैसे जाएंगे कैसे नहीं। अब मम्मी और मेरी बहन तो नाश्ता करने गए हैं, अब वो आएंगे, अब कोई बस निकलेगी तो देखते हैं कैसे निकलेगी, क्या होता है क्या नहीं, वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा भाई आगे। सो गाइस अभी तो यार कोई बस नहीं मिल रही है यार यहाँ से, और पता है यार यहाँ के मतलब लोग बता रहे हैं कि लोग दो दिन जो पहले बस निकली हुई है भाई वो अब तक नहीं पहुँची है, दो दिन की जो बस निकली हुई है पहले की वो नहीं पहुँची अब तक। तो गाइस हम कैसे पहुँच जाएंगे इतनी जल्दी, और रास्ते में काफ़ी जगह सब लोग बता रहे हैं लैंडस्लाइड हो रखी है बहुत खतरनाक। सोलांग में तो बहुत तगड़ी बाढ़ आ रखी है, तो इस चक्कर में यार हम फंसे पड़े हैं, अब क्या करें। सारे लोग देख रहे हो कैसे भीड़ लगी पड़ी है, सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने किस तरीके से जाएंगे किस तरीके से नहीं, अब देखते हैं क्या होगा। गाइस कोई भी बस नहीं मिल रही यार अब तक एक भी चंडीगढ़ के लिए, और अब सोच रहे भाई प्लान में चेंज कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि जो ऑफिसर थे यहाँ के जो मेन ISBT का हेड, तो वो भी आ रखा था, वो मतलब चेक वगैरह कर रहे थे कुछ, और उससे मतलब मैंने डायरेक्ट बात करी तो वो ये कह रहे हैं कि रोड जो है बिल्कुल टूट चुके हैं ना, पैदल जा भी नहीं सकते, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। तो अब सोच रहे हम कालका स्टे करेंगे इसके, या फिर कालका के लिए बस लेते हैं, देखते हैं कालका के लिए कुछ मिल जाए तो पता करता हूँ कहीं से कालका के लिए। और जितनी बस निकली पड़ी है भाई अब तक नहीं पहुँची वहाँ से, दो दिन पहले की बस नहीं आ पाई अब तक यहाँ पर, और यहाँ का भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है इस चक्कर में। और देख रहे कितनी भीड़ है मेरे आगे पीछे, हर जगह बहुत टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग फंसे पड़े हैं सारे जगह, हम भी बहुत तगड़ा फंस गए, फ्लाइट बंद है, ट्रेन बंद है, और रोडवेज बंद है, सब कुछ बंद है। सो तो गाइस फाइनली जो है भाई मतलब एक बस मिल चुकी है कालका के लिए, और कालका तक ये डायरेक्ट नहीं जा रही, ये सोलंग तक जाएगी, फिर सोलंग से जो है बस चेंज करनी पड़ेगी इनकी जो रास्ता जो ब्लॉक है रास्ते में, फिर चल के जो है इनकी दूसरी बस जो है वो हमें आगे पहुँचाएगी, और फिर कालका स्टे करेंगे, या फिर कालका से हमें चंडीगढ़ के लिए बस मिलेगी या नहीं वो तो आगे देखते हैं। काफ़ी मुश्किल से वाली बस मिली है, और काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ रही है बहुत सारी, और अंदर घर में पानी भरने, क्योंकि रास्ते में कुछ पानी मिले ना मिले, कुछ खाने को मिले ना मिले, कुछ नहीं कह सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। फ्लाइट भी बंद है, और रोडवेज का देखते हैं क्या कहाँ 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 लैंड स्लाइड होती है, क्या क्या हो रहा है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा रास्ते में। तो गाइस बस देखो किस तरीके से भाई टर्न ले लेके भाई घूम घूम के जो है नीचे उतर रही है, तो भाई सर सर घूम रहा है थोड़ा, और गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट का इशू वगैरह होगा तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो एक बार टर्न देखो भाई बस का। कई जगह पे तो गाइस लैंडस्लाइड हो रखी है बहुत जगह भाई, पीछे इतनी सारी लैंडस्लाइड आई यार, कैमरा ऑन नहीं था मेरा, अभी मैं आपको बहुत सारी लैंडस्लाइड दिखाऊंगा। गाइस ये चेक करो एक बार भाई, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, और पूरा बहुत टूट चुका है यहाँ पर, देखो किस तरीके से लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, चल रहे हैं यार। चेक करो भाई यहाँ की टीवी लैंडस्लाइड,
करना, तभी रोड बंद है। ये तो आगे कुछ नहीं, आगे तो पूरा बहुत पूरा रोड ही टूट गया है, आगे तो पूरे रोड में दरार आ रहा है। वही मैं देख रहा हूँ यहाँ, फिर भी साफ कर दिया है। इतना साफ कर दिया उधर का रह रहा है, और वन वे कर दिया। इस चक्कर में वन वे कर दिया कि लैंडस्लाइड जो कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते लैंडस्लाइड के बारे में। यहाँ देखना तो भाई ऊपर से आके गिरे नीचे पूरे पहाड़। कैसे बह रहा है ऊपर से, और भी जल्दी हो रखी है। आगे रोड बन ये तो अभी हो गया कुछ दिन पहले, सभी जो है भाई बस रुकी हुई है भाई डीजल भरवाने के लिए। देख लो भाई किस तरीके से कितने भरवा रहे हैं, देखते हैं भाई। आया किलोमीटर में 0 क्यों है, अब तो 0, अब तो 0। अच्छा फुल करवा रहे टैंक भाई, कंडक्टर साहब उतर चुके हैं भाई, फुल करवा रहे हैं।
और लैंडस्लाइड तो आपने देखी होगी, कितनी सारी लैंडस्लाइड हो रखी है पूरे रास्ते में। और आगे तो भाई पूरा रोड जो है टूट चुका है पूरा। अब देखते हैं आगे किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं। भाई 60 लीटर जा चुका है, कितना जाएगा भाई? 61, 62, 63, 64 गया भाई। कितने का पेट्रोल गया? 5500 रुपये का। कितने बंदे? 11 कहाँ है? हमें तो एक भी नहीं दिख रहे ना। देखो भाई कार कैसे लैंडस्लाइड हो रखी है बहुत पहले। देखो ये वहाँ तो कुछ गलत ही हुई है भाई, बहुत लैंडस्लाइड हो रखी है। इस चक्कर भाई यहाँ से आगे भाई ना रोड बंद लग गया, देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या भी जाएंगे कैसे नहीं। सो गाइस गाड़ी घुमा रहे हैं भाई, ये पता नहीं क्यों अब कहाँ से लेके जाएंगे कहाँ से नहीं, पूरे रास्ते पे तो लैंडस्लाइड हो रखी है। अबे भाई रूट पता नहीं क्या रूट चेंज करेंगे क्या करेंगे वो मैं नहीं पता। अब गाड़ी घूमे ही कैसे, गाड़ी हमें ये समझ नहीं आ रही, बैक जा रही है। और अभी भी देखो पहाड़ से पानी आ रहा है और धुआं देखो वैसे देख लिया गाड़ी भाई। पत्थर जो भाई नीचे टूट टूट कर आए हैं ऊपर से, और धीरे धीरे रोड चल रहा है भाई धीरे धीरे। यहाँ देखो किस तरीके से लैंडस्लाइड हो गया था, इस चक्कर में जो है रोड बंद कर रखा था भाई। रोड बंद अभी भी है, वो हल्का हल्का ना हटाया है। ये देखो भाई एक एक करके गाड़ी पास हो रही है, अरे ऊपर से गिरा है। गाड़ी तो नहीं दबी होगी भाई।